हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। मैं एडवोकेट विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेकर लगातार आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोज देखते हैं, वीडियोज पर कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। तो आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं NLU के बारे में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में स्थित है। हम आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसी रहेगी ये यूनिवर्सिटी, क्या आपको इसमें लॉ में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसा रहेगा इसका एडमिशन प्रोसेस, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, माय फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि ये एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इज अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत। सोनीपत में स्थित है, हरियाणा, इंडिया। इट इज द 23rd नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश इन इंडिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन द ईयर 2012। 2012 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है एज ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के रूप में, जो कि NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। अब एक सबसे स्ट्रेंज बात इस यूनिवर्सिटी में ये है कि देखिए, यूनिवर्सिटी 2012 में स्थापित हुई, अभी चल रहा है 2023, यानी कि 10 साल इस यूनिवर्सिटी को बने हुए हो चुके हैं, स्थापित हुए हो चुके हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेशन चला था वो 2019 में चला था, मतलब 2012 से लेके 2019 के बीच में ये यूनिवर्सिटी अपना कोई लॉ के रिगार्डिंग सेशन ही नहीं चला पाई। हालांकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। जो 2019 में इस यूनिवर्सिटी का बैच चला वो भी BA LLB कोर्स के लिए ही चला, BBA LLB कोर्स नहीं था और LLB 3 ईयर्स कोर्स नहीं था। यानी कि जो स्टूडेंट्स ओनली 12th पास थे वही इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर पाए BA LLB कोर्स के लिए। 2019 सेशन तक इस यूनिवर्सिटी ने LLB 3 ईयर्स का कोर्स नहीं करवाया है। तो हम कह सकते हैं कि सन 2024 में इसका पहला बैच पास आउट होगा, तभी इस यूनिवर्सिटी की पासिंग परसेंटेज पता लग पाएगी, तभी इसका प्लेसमेंट सेशन पता लग पाएगा कि कितनी अच्छी प्लेसमेंट है यूनिवर्सिटी की। वैसे हमारा पर्सनल ओपिनियन इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफी अच्छा है। अगर बात करते हैं दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR के अंदर ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आपको लॉ कोर्सेज करने हैं अभी। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि भी 3 साल की LLB इसके अंदर नहीं है, लेकिन BA LLB का ऑप्शन है। हो सकता है कि 2023 सेशन से इसके अंदर LLB कोर्स का भी अप्रूवल आ जाए। तो स्टूडेंट्स टच में रहें BCI की वेबसाइट पर, साथ साथ क्लैट टेस्ट के अंदर भी वो चेक करते रहें। तो चलिए बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपको BA LLB कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या रहेगी एलिजिबिलिटी। माय फ्रेंड्स, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, अगर आप BCI अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अदर कैटेगरीज में एलिजिबिलिटी 40% के आसपास रहती है एज पर BCI। एडमिशन इसमें क्लैट के बेस पर होता है, CLAT, क्लैट 2023 के बेस पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए। तो अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में। देखिए, यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले आप देख लीजिए, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज हॉस्टल है सेपरेटली, गर्ल्स हॉस्टल भी है। ये यूनिवर्सिटी अंदर से, ये यूनिवर्सिटी का बाहर से रास्ता, ये यूनिवर्सिटी का कैंपस देखिए, इनसाइड से काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी ग्रीनरी है यूनिवर्सिटी के यहाँ पे। तो एक पढ़ने का माहौल तो इस यूनिवर्सिटी में है, नो डाउट। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फीस भी इस यूनिवर्सिटी की नो डाउट रीजनेबल है अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। जो स्टूडेंट्स दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट में है उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। चंडीगढ़ से अंदाजा लगा लीजिए कि आई थिंक अप्रोक्स 150 किलोमीटर के आसपास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दिल्ली से 30 किलोमीटर के आसपास, मतलब मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ एक आइडिया। तो यूनिवर्सिटी में आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं और आसपास के स्टूडेंट्स तो डेली कम्यूट भी कर सकते हैं, डेली आना जाना भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में, किसी भी लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई लाइफ टाइम रहती है, आपको इसमें हमेशा लगातार सीखना होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में
तो ये फील्ड हमेशा से ही एक पैशन भरी फील्ड रही है। फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ में एडमिशन लेते हैं, उनको डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत होते हैं। जनरली बोला जाता है कि क्या करेगा लॉ में एडमिशन लेके, दुनिया करके घूम रही है। तो माय फ्रेंड्स आज भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका सामाजिक रुतबा आज भी अलग ही है। किसी के डिमोटिवेट करने से डिमोटिवेट ना हो, आपको खुद पता है कि आपकी काबिलियत क्या है। तो लॉ के स्टूडेंट्स एडमिशन जरूर ले, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही यूनिवर्सिटी अच्छी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लॉ हमेशा से ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस लगातार लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर स्टिल आपके कुछ भी कमेंट हैं तो आप हमसे जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।